सभी का स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं प्रीवियस ईयर के टेक्निकल क्वेश्चन भी डालता हूं, उसके न्यूमेरिकल भी डालता हूं, मगर अब मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूं नेवी एयरफोर्स ग्रुप वालों को लिए। ठीक है, जो बच्चे नेवी और एयरफोर्स के ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर है अगले महीने, तो उनके यहाँ पर मैं कुछ जो बेसिक्स उनके हैं वो थोड़े मजबूत यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो और ये जो आपका मैथ का रहने वाला है सेशन, ये नेवी वालों के लिए तो है, नेवी और एयरफोर्स वालों के लिए, मगर जो टेक्निकल के जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं बच्चे, टेक्निकल की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी इधर जो है वो मैथ को देख सकते हैं, क्योंकि उनके जो 5 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, तो वो यहाँ से कुछ सीख कर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए है, नेवी और एयरफोर्स का काम आसान कर देगा। यहाँ मैं कुछ तरीके बताऊँगा, डिजिटल मेथड हो गए तो उस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको लिखना कम पड़ेगा और क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाएंगे और एक्यूरेसी उसमें बनी रहेगी। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कम रहेगा और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। ठीक है, और वही मेन होता है किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो वही यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, और जो भी टेक्निकल के हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, नए बच्चे जो जुड़ेंगे उनको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ कराते रहता हूँ। ठीक है, और मैथ अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, और क्या कंसेप्ट, जो भी आपको कंसेप्ट समझ में आता है या जो भी आपका रिव्यू होता है, फीडबैक होता है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं और उसको बेहतर करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टाइम वर्क आज हम पढ़ने वाले हैं। टाइम वर्क पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, कभी भी आपके पास, ठीक है, वर्क कांस्टेंट हो, मतलब कि काम करना क्या है वो आपके पास लिमिटेड है कि इतना ही काम करना है। कोई मान लीजिए ये काम है आपके पास, ठीक है, ये बॉक्स हैं, ठीक है, ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स हैं, ठीक है, आपको पहले कंसेप्ट समझना है। ठीक है, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो भी आगे कर सकता है, और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ये वर्क है कि इसको डब्बे को उठाकर यहाँ पर रखना है इस जगह पर। ठीक है, तो ये जो काम है, वर्क है, ये कॉन्स्टेंट है कि काम हमको इतना ही करना है कि ये 3 बॉक्स उठाकर वहाँ पर रख देना है, ये डेस्क बॉक्स उठाकर हमें वहाँ पर रखना है। अब क्या करेगा यहाँ पर, मैटर क्या करेगा यहाँ, मैटर करेगा जब वर्क हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है, अगर हम एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, यानी कि कार्य शक्ति बढ़ा देंगे, कार्य करने की शक्ति बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये एक लड़का हो गया, ठीक है, ये एक बॉक्स को रख रहा है एक बार में। ठीक है, वहीं अगर मैं इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता हूँ, इसको या तो बॉर्नविटा पिला दो या तो रेडबुल बना दो, ठीक है, या क्या करो, एक दूसरा लड़का इसके साथ जोड़ दो, जिससे क्या होगा, इन दोनों पर काम बट जाएगा, यानी कि 2 लड़के अब एक साथ 2 बॉक्स को रखेंगे। कैसे रखेंगे, एक एक ये वाले बॉक्स को रखेगा और दूसरा बंदा ये वाले बॉक्स को रखेगा। ठीक है, दोनों एक समय में 2 बॉक्स को रखेंगे, वहाँ क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ गई, कार्य करने की शक्ति बढ़ गई है। ठीक है, और तो कार्य करने की शक्ति जब बढ़ जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है कि कमी हो जाएगा, टाइम को क्या कम लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा सिद्धांत पर जो है वो हमारा टाइम एंड वर्क काम करता है। मुझे लगता है आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया वो, क्योंकि टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन तो आते हैं मगर बंदे वहाँ फंस जाते हैं, बच्चे वहाँ फंस जाते हैं और कर नहीं पाते, क्योंकि कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। तो इस तरीके से कंसेप्ट रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइम को कम करना होगा तो एफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर काम बराबर है कि काम इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, काम कांस्टेंट है। और वहीं अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब कि कार्य शक्ति कितनी है आपकी और गुणा कर दोगे टाइम से, तो आपका कितना काम किया है आपने वो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हल्का फुल्का याद होना चाहिए, वरना मैं आपको क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, मन में आपके दिमाग में छप जाएगा, मन में कह रहा हूँ आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो है वो वर्क कॉन्स्टेंट हमने कर दिया, ठीक है, जो कि मैं समझा चुका हूँ कि वर्क कॉन्स्टेंट होने पर क्या होगा, एफिशिएंसी जो है वो हम बढ़ा देंगे तो टाइम हमारा घट जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है वो 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, किस तरीके से, एक तो एलसीएम मेथड हो गया,
और 1% मेथड हो गया, ठीक है ठीक है, 1% मेथड हो गया, ये दो मेथड हो गए, एक एलसीएम मेथड हो गया और 1% मेथड हो गया ये हमारा, ठीक है। जो वर्क का फॉर्मूला बताया था मैंने, एफिशिएंसी इनटू टाइम बताया था, इससे आप तीन चीज़ मतलब ये दो और भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी अगर आपको ना पता हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, वर्क को नीचे लेकर के जाना, टाइम के नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपॉन वर्क हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको जब भी एफिशिएंसी निकालनी हो, एफिशिएंसी निकालनी हो, और ये याद मतलब याद भी होना ज़रूरी है और ये आपको पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर आपको एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी कि एक बंदा कितना काम करता है एक दिन में, तो वहाँ वो उसकी एफिशिएंसी की बात हो जाती है। तो एफिशिएंसी की बात जब होगी तो टाइम को हम क्या रख देंगे, ठीक है, और एक सेकेंड यहाँ पर उल्टा हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको मैं सही करता हूँ, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो वर्क के अपॉन में टाइम आएगा, ठीक है, वर्क के अपॉन में टाइम आएगा तो एफिशिएंसी निकल के रख के आएगी, ठीक है। और वैसे ही अगर मेरे को टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है, कैसे वर्क को जितना कार्य होगा, अब कार्य और टाइम को डिवाइड करने पर एफिशिएंसी आ जाएगी, और वर्क को और एफिशिएंसी को डिवाइड करने पर टाइम आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड हमेशा वर्क से ही करना, वर्क को ही मतलब वर्क में ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये होगी आपका, अब इसमें एक प्रतिशत जो है परसेंटेज है वो एफिशिएंसी इधर आ जाती है, ठीक है, उसको भी आइए हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। कह रहा है फ्रिक्शन से, जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है यानी कि 1.2 होता है 50%, ये आपको शायद पता होगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होगी, ठीक है, वरना मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको तो ये आपको बाद में बताऊँगा जब परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाऊँगा कि फ्रिक्शन वैल्यू कैसे याद रखी जाती है, कैसे करा जाता है उसको। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं सेम उसी तरह से एफिशिएंसी मेथड जो है वो हमारा काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा वो आइए हम आगे देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति, ये एग्जांपल है, कह रहा है एक व्यक्ति 20 दिनों में कोई काम करता है, मान लीजिए कोई भी काम है वो 20 दिनों में करता है, ठीक है, 20 दिनों में टाइम कितना दे दिया, 20 दे दिया। अब बताइए उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये एफिशिएंसी पूछी है, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, तो एक दिन की एफिशिएंसी पूछिए तो वो बतानी है हमें कितनी है, कोई भी काम है हमारे पे। अब जब हम इसको करते हैं तो इसको फ्रिक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे, 1/20, और 1/20 लिखेंगे जब 1/20 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% होती है, 5% होती है, ठीक है, 5% होती है। अब ये 5% आता कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा, आपको क्या करना है, 1/20 जैसे ही आप करोगे यहाँ पर 100 से उसको डिवाइड कर देना है, और जैसे डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में जाएगा तो 5% हो जाएगा। अब ये 1/20 क्यों लिखा गया है वो आइए हम समझते हैं, वो क्वेश्चन के साथ साथ हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, एफिशिएंसी बता दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम जो करेंगे ना उससे आप बिल्कुल जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं वो और मजबूत हो जाएंगे, और करने की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी खुलेंगी यहाँ पर। अब कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है, ए मान लीजिए कोई बंदा है वो 20 दिनों में कोई काम करता है, ये डे है, ठीक है, अगर बी की बात करूँ मैं, और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ये कर दिया इसने 10 दिन में, ठीक है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी फ्रिक्शन वैल्यू लिखेंगे, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी 1/20 और 1/10। जब इसकी फ्रिक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये 5% आ जाएगा जो कि इसकी एफिशिएंसी होगी, जो कि अभी मैंने बताया था आपको। और इसको जब करेंगे यहाँ से 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 चला जाएगा, और 0 से 0 चला जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, तो यानी कि 10 एफिशिएंसी यहाँ पर इसकी निकल करके आ जाएगी, ठीक है, ये 10 एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये,
अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, दोनों मिलकर, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी से। दो लड़के बताए थे ना, दो लड़के आते हैं, एक की एफिशिएंसी लड़के की ये रही, दूसरे लड़के की एफिशिएंसी ये रही। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जुड़ के कितना हो जाएगी, 15%। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिन बताने कि कितने दिन में काम कर पाएंगे, तो दिन निकालने के लिए फिर इसको 1/15 कर देंगे, यानी कि इसको 1/15 करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पर प्रतिशत था, प्रतिशत ज़्यादा तो अपॉन में 100 आया था, और यहाँ से 100 से काटेंगे, और 1/15 की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/15 की होती है 62/3 प्रतिशत। प्रतिशत यहाँ पर ना लिख कर, क्योंकि प्रतिशत यहाँ पहले से है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो डेज में आएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये डेज में आपका आंसर आ गया। अब ये जो निकल करके आया है 6 दिन, मतलब 6 तो दिन लगेंगे ही, 2/3 और दिन और लगेगा इसमें। ठीक है, तो टोटल जो काम करने में है वो इनको दोनों साथ में अगर काम करते हैं तो इतना दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आप देख सकते हो, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बाकी और जितने भी तरीके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अभी, अब क्वेश्चन जब स्टार्ट होंगे, हाँ ये अब यहाँ पर मैं बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी 8 PM पर। ठीक है, 8 PM पर ये क्लास आने वाली है जो कि मैथ की है। अगर आप कहोगे कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए ये जो बैच है वो आपके लिए है, ये 8 PM पर चलेगा। बाकी रीजनिंग का जो बैच है वो आपके लिए चलेगा 4 PM पर। रीजनिंग का ये दो बैच हैं, बाकी जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए तो चलता ही है, 6:30-6:15 पर चलता है उनके लिए टेक्निकल। ठीक है, शाम को टेक्निकल वालों के लिए। ठीक है, और अभी जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, ये जो कोर्स अभी चल रहे हैं ये उनकी डिटेल है। अभी जो क्वेश्चन, अभी जो वैकेंसी आई है यूपीआर वीयूएनएल का, यानी कि उत्तर प्रदेश जो बिजली विभाग है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, वहाँ जो वैकेंसी अभी निकली है हाल ही में 196, उसका यहाँ पर जो टेक्निकल का पोर्शन है वो यहाँ पर बैच स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, उसकी जो जितनी उसकी जो जो टाइमिंग है वो यहाँ पर मंडे को ट्यूसडे को बताई जाएगी। ठीक है, बाकी अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उनके सारे प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। हिंदी के लिए मैं यहाँ पर बोल दूंगा, ठीक है, बता दूंगा मुंह से कहकर, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन थे, हिंदी के लिए मैं बोल दूंगा। कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 दिन में। ठीक, कह रहा है ए और बी कंप्लीट करते हैं कोई काम को 8 दिन में, और बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन मतलब ये सारे मिलकर जो कंप्लीट है वर्क वो 6 दिन में कर लेंगे। कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कह रहा है ए और सी टुगेदर कंप्लीट जो काम है वो कितने दिन में कर पाएंगे, ए और सी का यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। ए और बी, बी का हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिन दिए हुए हैं। और इजी, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर और मैं बताऊंगा इजी किस तरीके से कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब बी और सी, बी और सी 12 दिन में, और टोटल ए बी सी, ए बी और सी जो है ऑल 3 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 6 दिन में कर लेते हैं। अब ये बताना है बी सी, ए सी का बताना है, ए और सी का बताना है।
ठीक है, ये जो डिटेल है वो हमें गिवन है। अब इसको और इजी की तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, बाकी आपका बेसिक मेथड तो पता होगा। ठीक है, ये क्या दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं, इनकी क्या निकालना है, इनका हम निकालना है एलसीएम। ठीक है, एक एलसीएम वाला मेथड है, पहले मैं उससे बता देता हूँ आपको। एलसीएम किस तरीके से निकालना है, बेसिक फॉर्मूले मतलब जो बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का, उससे आपको एलसीएम यहाँ नहीं निकालना है। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आठ को आपको तोड़ के यहाँ पर लिख देना, किस तरीके से लिख सकते हो आपको तोड़ के आठ को वो देखते हैं। ठीक है, मैं जो एलसीएम निकालने का भी इजी मेथड है ना वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका इजीली हो जाएगा। टू इंटू टू इंटू टू, इस तरीके को आप आठ को तोड़ सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ थ्री इंटू टू इंटू टू, ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूं तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू थ्री, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलसीएम आपको लिया जाएगा, यहाँ पर सब में से जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ है, जैसे 2 की सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ क्या है, 2 2 2 3 3 बार है, मतलब 3 बार तो 2 आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। और एक 3 और आएगा, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 3 है, इसलिए एक 3 तो ज़रूर आएगा। अगर 2 3 होता तो मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मैंने ले लिया। अब इसको और इससे कंपैरिजन करना है। ठीक है, इससे मैं ये बता रहा हूँ, इससे आपकी एक चीज़ नहीं कई चीज़ें निकलेंगी, इससे आपकी एफिशिएंसी भी निकल जाएगी, वर्क तो आपका ये निकल गया। ठीक है, एफिशिएंसी किस तरीके से निकलेगी, इधर एक और 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 3 जो मतलब मैक्सिमम 3 बार जो हमारा 2 आ रखा है, तो मैक्सिमम जितने बार वो रखा होगा वो हमें लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं है, इससे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, यहाँ से यहाँ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, और यहाँ से यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 2 नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको अगर मैं वैसे तरीके से लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर 8 12 और 6, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यहाँ पर 24 जो ये निकल करके आया, ये हमारा टोटल वर्क है, इतना कार्य है। ठीक है, टोटल वर्क निकल करके आया, और जो इसकी एफिशिएंसी निकल करके आई है 3 आई है। ठीक है, 8 3 जा कितने होते हैं 24। ठीक है भाई, यही एलसीएम होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 12 2 जा 24, और यहाँ पर 4 आएगा, 6 4 जो 24, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आया, बिल्कुल सही आया। और इस तरीके से करोगे ना आप, इस तरीके से तो इजीली तरीके से आप एलसीएम मतलब जो है वो निकाल लोगे। बाकी आप जो उस मेथड से करोगे वो लंबा मेथड जाता है, पहले 8 का निकालोगे, फिर 12 का, फिर 6 का, फिर उसमें से वैल्यू देखोगे कि कौन सी सेम है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करके बता दिया आपको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया। अभी हमारे पास 24 आ गया, अभी ये जो वैल्यू है ये ए प्लस बी की है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है हमारी बी प्लस सी की है, और ये ए प्लस बी प्लस सी की है, ये जो है 6 है वो ए प्लस बी प्लस सी की है, यहाँ मैं लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें निकालना है, यहाँ पर पहले सी निकालना है। ठीक है, तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी एफिशिएंसी है वो इसकी एफिशिएंसी यानी कि ए प्लस बी को इसकी एफिशिएंसी को, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी को एक सेकंड, आप एक बार मैं बेसिक से समझाऊंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर मैं अपने तरीके से समझा दूंगा। यहाँ से फिर इसको सी कर देंगे, ठीक है, इसको घटाएंगे किससे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी से। यहाँ पर कार्य क्षमता की बात हो रही है तो एफिशिएंसी यहाँ पर लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी लेंगे, ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी, यहाँ पर 4 आई थी। ठीक है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई थी, ये आ रखे 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो अगर जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास सी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी अब सी की, ये हमारे पास आ गई सी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी ये हमारे पास आ गई है। ठीक है,
और हमें क्या दिया हुआ है, बी और सी की जो एफिशिएंसी दी गई है क्वेश्चन में वो कितनी दी गई है, वो दो दी गई है। यहाँ पर देखो बी और सी की दी गई है ना, दो दी गई है, जिसमें से हमें जो पता है वो क्या पता है, सी की एफिशिएंसी। यानी कि सी की एफिशिएंसी अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, वन हो गई। यानी कि सी की भी वन है, बी की भी वन है, दोनों की वन वन एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब मैं इसको इसमें रखता हूँ, ए प्लस बी में, ए प्लस बी, ए प्लस है, बी में रखता हूँ, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी निकल के आएगी, यहाँ पर कितनी दे रखी है, तीन एफिशिएंसी दे रखी है, और बी की हमें पता है कितनी है, वन है। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो दो जो एफिशिएंसी है वो हमारी एक की आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है मगर इजी तरीके से मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा। ठीक है, हमें क्या दिया गया, ए और सी दिया गया है, ए और सी, यानी कि ए की एफिशिएंसी ये आ गई है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, ए की और सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है, कितनी आई है, ए प्लस, अगर मैं सी करता हूँ, क्योंकि दो ये लड़के हैं ये अब साथ में काम करेंगे, जब ये साथ में काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जब इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो टाइम जैसे है कम लगेगा। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी हम देख लेते हैं कितनी बजे, दो इसकी है एक इसकी है, तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास हो गई तीन। और टोटल वर्क जो देखा जाए वो कितना था, वो था हमारे पास टोटल वर्क जो था हमारे पास वो देख सकते हो यहाँ पर, ये 24 वर्क निकल करके आया था। ठीक है, जब एलसीएम हम लेते हैं, जो टोटल वैल्यू जो एलसीएम निकल करके आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, अगर हम किससे निकालते हैं, अगर हमारे पास दिन दिए हों, ठीक है, दिन दिए हों और एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये क्या, ये है जो हमारा वर्क आता है। ठीक है, अब वर्क हमारा कितना है, 24। और मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था कि वर्क को अगर आप डेज से टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो यानी कि जो 24 है वर्क उसको डिवाइड करना है एफिशिएंसी से, और इसको जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 डेज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, जिस किस तरीके से समझाया आपको वो, किस तरीके से समझाया बस वो आपको देखना है। पहले तो एलसीएम लेने का तरीका बदल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से लीजिए, एक दो बार लोगे आप कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता, बस कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, और उसमें आपको काफ़ी लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं लिखना, बस कंपैरिजन करना। ये क्वेश्चन इसलिए लंबा हो गया क्योंकि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, और फिर ए सी पूछा गया है, क्योंकि सी की वैल्यू हमें दी नहीं थी तो हमने वो यहाँ से यूं कर, इससे जो इसकी एफिशिएंसी आई थी उससे सब्ट्रैक्ट करके निकाली है, एक एक करके जो साइकिल चली है उससे हमने निकाली, क्योंकि फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके हमारे पास ए और सी की जो एफिशिएंसी आई है। मेन होता है इसमें एफिशिएंसी निकालना, क्योंकि जब हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी और हमें वर्क दिया हुआ है तो वर्क को हम जब एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो हमारे पास टाइम निकल करके आ जाएगा, और वो टाइम हमारे पास यहाँ निकल करके आ गया। ठीक है, बस आपको एलसीएम वाले मेथड से थोड़ा सा हटके चलना है और थोड़ा हटके क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन में ही सॉल्व कर देते अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी तेज़ हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक जो वर्क है, कोई कार्य है, ठीक है, कंप्लीट कर लेता है, बी और क्यू दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, जो दिया जाए वो लिखते जाओ। ठीक है, मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, बी और क्यू कितने दिन में कर लेते हैं उसे, 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, और बात करूँ क्यू और आर की, क्यू और आर उसे कितने दिन में कर लेते हैं, क्यू और उसे आर कर लेते हैं 15 दिन में। और R और P की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये 20 दिन में इसको कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा इन हाउ मैनी डेज P अलोन कैन फिनिश द वर्क, जो P है वो इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ये भी क्वेश्चन जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े लेंथी बनते हैं, मगर मैं आपको इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक है,
अब या तो आपको इतना पता हो, हल्का बहुत तो पता हो ठीक है, कि 12 है, 15 है, 20 है, इसमें कॉमन कौन सी डिजिट है, मतलब इसमें इसके इनके जब पहाड़े पढ़ोगे तो कौन सा कॉमन आएगा। 12 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ोगे तो 60 है, इसमें भी 60 आएगा। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो इसमें भी 60 आएगा, और 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो इसमें भी 60 आएगा। मतलब 60 जो है वो सभी में कॉमन है, तो जो एलसीएम होगा 60 का, मतलब जो एलसीएम है, जो एलसीएम निकल करके आएगा वो 60 निकल करके आएगा, क्योंकि 60 सभी में कॉमन है। एलसीएम जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो वो जो सबसे छोटा संख्या बतानी है जो सब में कॉमन हो, तो वो 60 है ठीक है। 60 हमारा कॉमन आ गया, तो या तो आप उस तरीके से कर लो जो अभी मैंने बताया था कि 3 × 2 × 2 कर दोगे तो वो 12 लिख जाएगा ठीक है, और 3 × 5 लिख कर दोगे तो अच्छा मैं वो तरीका भी बता देता हूँ ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, उस तरीके से आप इजी तरीके से कर सकते हो। बाकी ये मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, 3 × 5, और 20 को लिख सकते हो आप ठीक है, 5 × 2 × 2। बाकी यहाँ पर आप 60 जो आपका एलसीएम निकल करके आया ठीक है, 60 निकल करके आया है, और 60 को आप तोड़ के भी लिख सकते थे, तोड़ के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है, और इजी हो आपके लिए समझने में। बाकी आप मेरे को ये बताना कि आपको मेथड कौन सा पसंद आया, उसी मेथड से हम आगे जो है वो जारी करेंगे। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम डिजिट है वो ले लें, 2 2 बार है ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, तो हमने ले लिया, 1 बार 3 भी है और 1 बार 5 भी है ठीक है, वो भी हमने ले लिया। 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20, और 20 23 जा कितने होते हैं, 60। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर 60 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या देखना, इनकी एफिशिएंसी देखनी है, या तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ से कि ये 12 दिया हुआ है और 60 है, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 15 है, 60 है, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 20 है और 60 है, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो ये एफिशिएंसी आ गई इसकी। नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 2 है 3 है, यहाँ पर क्या नहीं है इसके मुकाबले, अगर कंपैरिजन करोगे यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर अगर इसमें कंपैरिजन करोगे तो 2 × 2 यानी कि 4 नहीं है, अगर यहाँ पर और यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर 3 नहीं है। और ये डिजिट देखो जो यहाँ पर एफिशिएंसी आई है, ये और ये, और यहाँ पर जो एफिशिएंसी आई है वो दोनों ही इक्वल है ना ठीक है। तो आपको यहाँ पर एफिशिएंसी पता चल गई, एफिशिएंसी कितनी आ गई ठीक है। अब जब इसकी एफिशिएंसी जोड़ोगे तो वहाँ एक दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आएगी वो आइए हम देखते हैं। जब आप पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी ठीक है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी ठीक है, प्लस आर प्लस पी की एफिशिएंसी, जब इसे आप जोड़ोगे, यहां पर देखो क्यू क्यू 2 बार आ रखा है, आर आर 2 बार आ रखा है, पी पी 2 बार आ रखा है, जो जब आप इसको जोड़ोगे तो जो कॉमन है वो तो हम साइड में लिख देंगे, क्योंकि सब दो दो करके आएंगे। देखिए 2p ये हो गया, 2q ये हो गया, 2r ये हो गया, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हम यहाँ पर p प्लस q प्लस r लिख देंगे। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई है, इसकी एफिशिएंसी पहले की आई है 5, दूसरे की आई है 4, और तीसरे की आई है कितनी, 3। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 4 9 और 3 12, तो यहाँ पर टोटल जो एफिशिएंसी इनकी हो गई है वो 12 हो गई है, मगर वो इसकी एफिशिएंसी आई है। अगर हमें पी क्यू आर की एफिशिएंसी चाहिए तो जो 2 है वो इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा क्यू, अगर हमें इसकी एफिशिएंसी चाहिए तो यहाँ पर 12/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा तभी इसकी एफिशिएंसी आएगी। अगर मैं इसको काट देता हूँ तो ये 6 बार में जाएगा, जाएगा ना 6 बार में। अब हमें किसका निकालना है, हमें पी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए ठीक है, वर्क तो हमें पता चल गया, पी की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी। अब पी की एफिशिएंसी आप किस तरीके से पता कर सकते हो ठीक है, इसको आप घटा नहीं सकते, इसको घटाओगे तो क्यू की आएगी, इसको जब आप माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे इस टोटल से पी क्यू आर से, तो पी जो आर आर है और वो पी है कट जाएगा, क्यू की आ जाएगी ठीक है, मगर हमें आप पी की चाहिए, तो पी की चाहिए तो हमें क्यू और आर को घटाना पड़ेगा। जब हम क्यू और आर को इसमें से घटा देंगे तो पी रह जाएगा, और क्यू और आर की एफिशिएंसी क्या निकल करके आई थी, 4, यहाँ पर देख सकते हो ये 4 आई है। जब आप 4 इसमें से घटाओगे
तो आपके पास दो जो आएगा वो क्या आएगा, पी की एफिशिएंसी, यानी कि आपने यहाँ पर पी की कार्य क्षमता जो है वो निकाल ली है, कितनी आई है, दो निकल करके आई है। और टोटल काम कितना था, टोटल काम आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो कितना था, 60 है टोटल काम। ठीक है, टोटल काम जो है वर्क है वो 60 है। तो जब हम, मैंने बताया था वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो जिसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे उसका टाइम पता चल जाएगा कि वो उस एफिशिएंसी से कितना काम, मतलब कितने दिनों में उतना काम, जो काम को डिवाइड किया है वो काम कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। टोटल काम था 60, ठीक है, जिसको करेगा पी, उसकी पी की एफिशिएंसी 2 है। जब वो अपनी 2 की एफिशिएंसी से 60 काम करेगा तो 30 दिन तो उसे लगेंगे ही लगेंगे काम करने को। ठीक है, 30 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर एलसीएम लेके करते, मैंने दो मेथड बताए हैं इसमें, इसलिए ज़्यादा लग गया। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है वो मैं बताता हूँ। जब भी पी क्यू क्यू आर आर पी दिया हो क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना, पी क्यू क्यू आर और आर पी दिया हो क्वेश्चन में, जब भी जो टोटल एफिशिएंसी आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना है। कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने यहाँ सॉल्यूशन करा के दिखा दिया, पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी, यहाँ पर 2PQR हो जाता है जो कि 2 इसके नीचे जाकर इसे डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या, 6 आ गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर कभी भी दो बार लिखा हो पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी, या ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी लिखा हो, ठीक है, सी प्लस ए लिखा हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, सभी को एफिशिएंसी को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, उस 2 से डिवाइड करने के बाद जो कि जो आपकी एफिशिएंसी पूछी होगी उसको घटाकर वहाँ से एफिशिएंसी आप निकाल कर, और जो वर्क दिया होगा उसको वहाँ से डिवाइड कर जो टाइम है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हो गया दूसरा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको पता है कि जो इसके पाड़े में और इसके पाड़े में और इसके पाड़े में कॉमन कौन सी डिजिट है, अगर आपको पहाड़े याद है या पता हो तो आप इजीली भी कर सकते हो। ठीक है, बड़ी बड़ी डिजिट में आप फंस जाते तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ साथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि इसमें दूसरा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब ये चौथा क्वेश्चन है वो करते हैं। कह रहा, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन। कह रहा ए और बी 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पीड थोड़ा तेज करते जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी स्किप करते जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन स्किप करेंगे वो अपने माइंड में करनी है, स्किप करने का मतलब है। ठीक है, बी प्लस सी, बी प्लस सी ये कितने, 10 दिन में, और सी एंड सी ए इज 12, सी और यहाँ पर ए, देखो वही क्वेश्चन आया ना, 12 दिन में। देन ए बी सी मतलब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बताया था, या तो आपको पहाड़ा याद हो या तो आपको डायरेक्ट पता हो। ठीक है, अब डायरेक्ट तो पता होगा, ठीक है, तो आसानी से कर लोगे। अगर मैं फिर भी 60 यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, एक बार 60 लेकर रख के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा भाई 60, तो कितने बार में आएगा, 3 बार में। इसमें कितने बार में आएगा, 6 बार में, और इसमें कितने बार में आएगा, 5 बार में। हाँ भाई, ये तो कॉमन है, आ गया कॉमन। या तो आप 2 बार जो जो है इसका जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन करके ना, दो 2 × 2 × 5 करके 2 × 2। ठीक है, उस तरीके से आप इसको लिख करके कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्किप करता जाऊँगा ताकि स्पीड बढ़े, बाकी बेसिक मैंने बता दिया, अब थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन को जो आपने सीखा हुआ है उसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर मैं कोर्स नहीं करा रहा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं कोर्स कराऊंगा तब बिल्कुल जो बेसिक होता है वहाँ से पढ़ाऊंगा, मगर ये आपका कोर्स नहीं चल रहा, ये आपका चल रहा है प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन को और कितनी तरीके से आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर 60 आ गया, और यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी करके आई है, 3 5 कितने हो गए, 8, और 8 और 6 कितने हो गए, 14। ठीक है, 8 और 6 14 हो गए, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई,
14 आ गई। मगर मैंने आपको क्या बताया था, जब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए लिखा हो, जो एफिशिएंसी आएगी इनको जोड़ने के बाद कितनी आई थी 14, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 14 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। अगर मैं 7 को इससे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 7 को इससे डिवाइड करता हूँ, कितने बार में जाएगा, कितने बार में, 56, 56 कितने बार में आ जाता है, 56 जाता है 8 बार में, तो 8 तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 4 ऊपर आ बच जाएगा उसका, 4 जो बच जाएगा रिमाइंडर, और ये हमारा 7 आ जाएगा। तो ये इतने दिन उसको लगेंगे ही लगेंगे, और यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ गया। या तो आप इसको दिमाग में कर लो, देखो लिखना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पड़ा, मैंने बोल के ही समझा दिया सारा क्वेश्चन, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बाकी आप लिखना चाहो तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ज़्यादा लिखना पेपर में ठीक नहीं रहेगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ बाकी आपको, ये 3, 6 यहाँ पर आया था जो हमारा, जब हम इसको जोड़ रहे थे। ठीक है, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रोज करनी है, ठीक है, 5-10 मिनट की, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट की करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर करोगे जब आप सी प्लस ए, और ये कितनी आई है आपकी, ये आई थी 14। ठीक है, ये एफिशिएंसी आपकी, ठीक है, एफिशिएंसी मैंने बताई कितने, 23 या 60। तो ये जो जितने बार में जाता है तो वो उसकी एफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे जब, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2a हो जाएगा, ठीक है, 2b हो जाएगा, प्लस 2c हो जाएगा। अब कैसे होगा, a देखो कितना, यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2a हो गए, तो 2a मैंने यहाँ लिख दिए। b कितने, एक ये रहा, एक ये रहा, 2b हो गए, यहाँ लिख दिए। सी कितना, एक ये रहा, एक ये रहा, 2c है, 2c यहाँ लिख दिए, इजकल टू 14 लिख दिया। ठीक है, अब जो 2 है उसे मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि वो सबों में एक ही, मतलब 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर 14 आ गया। मगर यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ए बी सी ने काम किया है। ठीक है, ए बी सी ने ही सिर्फ काम किया, उसके दोगुने ने नहीं किया। ठीक है, तो इस दोगुने को हम नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये ए बी सी ही बचेंगे, और इन्हीं का ये हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, 14/2 जब हम इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, अब 7 एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, और हमें वर्क पता है कितना है, वर्क हमें हमें पता है कि 60 हमारा काम है, और 60 हमारा काम है, और 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसके नियर बाय कौन आएगा, ठीक है, नियर बाय से देखेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, अगर हम 9 बार में करते हैं, 7 9 कितना हो जाएगा, 63, यानी कि 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कम लेंगे तो कितने बार में काटेंगे, 8 बार में काटेंगे, तो 8 बार में काटने के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, क्योंकि 56 आएगा, 56 आने के बाद जब 56 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 रिमाइंडर यहाँ रख देना, और जो जिससे डिवाइड करते हो वो यहाँ आता है। तो जब हम इसको डेज में जब हमने कन्वर्ट किया तो ये कितने डेज आ गए हमारे पास, यहाँ पर एफिशिएंसी है, ये टाइम निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, ये टाइम निकाल, तो हमारे पास जो डेज आए हैं वो आए हैं 8 दिन, 4 and 7 जो हमारे पास डेज आए हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने जो माइंड में करने का जो शॉर्ट तरीका वो मैंने यहाँ समझा दिया, लेंथी तरीका मैंने जो कर सकते हो बना करके लिखना जितना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वैसे मैं आपको बताऊँ तो प्रेफर आप ये करना, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, मगर पेपर में आप सबसे पहले क्वेश्चन कर करके आओगे। अब यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, हाँ ये रहा माउस, कह रहा है ए और बी दोनों काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पे हिंदी पे क्वेश्चन नहीं थे तो मैं बोलता जा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, उससे आप समझ लेना। कह रहा ए और बी दोनों जो काम है वो 12 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी अकेला काम उसको 3 दिन में कर लेता है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। कह रहा ए और बी भाई किसी काम को, दो लड़के हैं, किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं मिल करके, ठीक है, और बी उसी काम को भाई अकेला कर लेता है, कितने दिन में, 30 दिन लेता है, मगर अकेला कर लेगा, 30 दिन लेगा, अकेला कर लेगा। ठीक है भाई,
और सी मतलब ए बताना है, ए तो फिर उस काम को कितने दिन में कर लेगा। पहले तो काम पता होना चाहिए, काम है कितना, तभी तो आप निकाल पाओगे काम कितना है। अब काम कैसे निकलेगा, काम ऐसे निकलेगा, इनका एलसीएम लो, ठीक है, या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है एलसीएम, या इनमें देख लो कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है कौन सा। 12 के पहाड़े में 60 आता है, हाँ आता है। 30 के पहाड़े में 60 आता है, हाँ आता है। तो भाई यही है हमारा, ठीक है, और कोई तो आता नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, यही 60 है जो हमारे में कॉमन है, लो हमने 60 ले लिया, ठीक है। अब 60 कितने बार में आता है, 5 बार में, इसमें कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, ठीक है। यानी कि जो एफिशिएंसी निकल करके आई है इसकी, तो 5 आई है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आई है वो तो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो आई है वो तो आई है 5, और जो बी की एफिशिएंसी निकल करके आई है यहाँ पर कितनी आई है, 2 आई है। जब ए प्लस बी में से मैं बी घटा दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी से बी कट जाएगा और हमारे पास क्या निकल करके आएगा, ए। वैसे ही अगर मैं 5, ये इसकी वैल्यू ए प्लस बी की, इसको माइनस करता हूँ बी की वैल्यू से, तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, 3 निकल करके आएगा, जो कि किसकी एफिशिएंसी होगा, जो कि ए की एफिशिएंसी होगी। यानी कि ए की कार्य क्षमता हमें पता चलेगी कि ए की भाई इतनी ताकत से, इतनी मतलब मेहनत ताना से इतना काम कर लेगा, ठीक है, मतलब एक बार में इतना काम कर लेगा भाई, ठीक है। अब 60 काम करना है उसको भाई, क्योंकि टोटल काम तो 60 है, ठीक है, जो बी ने किया था 30 दिन में। अब जब ए लगेगा अपनी 3 की स्पीड से काम करने के लिए, तो वो कर लेगा 20 दिन में भाई, और जब वो 20 दिन में कर लेगा तो वो कर लेगा ए बी से जल्दी। तो यहाँ पर जो 20 दिन निकल करके आए, ये ए का डे है, ए इतने दिन में कर लेगा, क्योंकि एफिशिएंसी ए की 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, बी की कार्य क्षमता कम है, 2 है, ठीक है, और ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है, 3 की स्पीड से काम करेगा, तो यानी कि वो जो आंसर है वो 20 दिन में कर लेगा, ठीक है, ये 20 दिन इसका राइट आंसर है। आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 5 क्योंकि इसमें मैंने बेसिक भी समझाया आपको, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते आपकी प्रैक्टिस है और मैं इजी तरीके से कराता जाऊंगा, और आंसर जो है वो और इजी तरीके से होते जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को और इजी तरीके से करते जाएंगे, और जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन करने में कम से कम समय लगेगा, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में, मगर मैं कोशिश करूँगा कि कम से और से कम, जितना कम हो सके उतना आपके जो क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है उसको कम किया जाए, और एक्यूरेसी सही आनी चाहिए, क्योंकि मेन होती है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं होगी तो क्वेश्चन करने का ना करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, करने एक्यूरेसी सही नहीं है तो फिर तो आपका ना करने का और करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपके नंबर वो हैं नेगेटिव में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक्यूरेसी भी मेंटेन कराई जाएगी, और जो आपका टाइम कंज्यूमिंग जो कैलकुलेशन है उसको आपको इजी करा के दिया जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा किस किस तरीके से आप इजी कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो, अगर जो ये वर्क है, पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर पसंद आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर देखते हैं, चलते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में, बाकी बचे हुए को बाकी प्रैक्टिस फास्ट करते जाएंगे, ठीक है। अपनी तैयारी जारी रखिए और कैलकुलेशन को टाइम दीजिए, और सारे सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम दीजिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, बाय बाय।